सुमित, एक जरा एक शेयर आप चेक करना, जरा टाटा मोटर्स इसका शुरुआती डाटा, हालांकि अभी सिर्फ 5 ही मिनट हुए हैं, बट थोड़ा शुरुआती डाटा ठीक बन रहा है टाटा मोटर्स का, एक बार जरा चेक करना है। पोजिशनली रखें, पोजिशनली यानी कहने का मतलब कि 10 दिन, हाँ 10-12 दिन, 15 दिन रखेंगे बस। जी बिल्कुल, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बिल्कुल बन रहा है, जो इसका एक रिसेंटली एक बेस बना था, डेट वाज अराउंड 413 लेवल। तो बिल्कुल आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर किसी के पास पोजीशन होल्डिंग है तो 430 का एक स्टॉप लॉस रखिए। और अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी एक मूविंग एवरेज देखेंगे, वहीं पे सेम सपोर्ट भी बन रहा है, तो बिल्कुल आप इसको होल्ड कीजिए, बट विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 430। अगर ये अपना लेवल 444 का ब्रेक कर रहा है तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये 458 460 के लेवल्स को टच कर सकता है। ठीक है, ऑटो पार्क तो थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है, इनफैक्ट मारुति और बजाज ऑटो को भी देखें, टाटा मोटर्स पर तो राय रहेगी थोड़ा सा, क्योंकि ऑटो भी आजकल डिफेंसिव की तरह ही प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वीक तो ज़्यादा होते नहीं, वीक मार्केट में भी चाहे भले ही बड़ी तेज़ी में पार्टिसिपेट ना करें तो कुशनिंग ज़रूर देते हैं, तो ऐसे में आप ऑटो पैक को देख रहे हैं। सीमेंट पैक से इनफैक्ट पार्टिसिपेशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स में मूव आई है, ग्रासिम में मूवमेंट आई है, ग्रासिम पर तो खैर एक न्यूज़ भी थी, तो अल्ट्राटेक सीमेंट हो ग्रासिम हो, क्या इनमें से कुछ पसंद आएगा सुमित? जी अल्ट्राटेक का जहाँ पे आपने बात किया, लेकिन देखिए आज भी एक डोजी टाइप है और काफी टाइम से ये कंसोलिडेशन में है, तो मैं अभी भी एक एग्रेसिवली यहाँ पे एंटर नहीं होना चाहूंगा, सो आई विल जस्ट वेट हियर। आप इस पर एंटर करने के लिए वेट करेंगे, लेकिन क्या ऑटो पैक में मारुति ने क्योंकि थोड़ा ब्रीदर लिया काफी समय तक, और इनफैक्ट ऑटो पैक बहुत तेज तेजी के साथ भी नहीं चला तो नीचे भी नहीं गिरा, क्या मारुति में अब खरीदारी करने का समय बनता हुआ दिख रहा है राहुल? देखिए मारुति में अटेम्प्ट तो हुई थी, हमने लास्ट वीक बुधवार को देखा था, स्टॉक ने एक अच्छा रिवर्सल का अटेम्प्ट किया था, लेकिन फिर बाद में एक नया लो बनाकर स्टॉक वापस। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एक बुल्स और बेयर्स के बीच में टग ऑफ वॉर है वो चालू है, और ओवरऑल मुझे लगता है कि स्लोली ग्रेजुअली स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को ऑनर कर रहा है। तो अगर आपका थोड़ा सा होराइजन ब्रॉड है तो मेरे हिसाब से 9000 तक के टारगेट्स, 9000 9100 तक के टारगेट्स आपको मारुति में देखने को मिल सकते हैं। इसे अक्यूमुलेट करें एक भाव पे ना ले, मेरे हिसाब से 8600 से 8700 के रेंज में अक्यूमुलेशन जोन है स्टॉक का, स्टॉप लॉस आप लगाइए 8500 का, और मुझे लगता है कि स्लोली ग्रेजुअली यहाँ पे आपको तकरीबन 400 पॉइंट की अपसाइड देखने को मिल सकती है आने वाले सेशंस में। एक बार आपको हम निफ्टी वापस से दिखा लेते हैं, 80 पॉइंट की गिरावट अभी भी है निफ्टी के अंदर। आज शुरुआत असल में हुआ क्या है ना कि आज आधा अधूरा मूड के साथ ट्रेड हो रहा है, उस वजह से, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात ने तो कल होली मनाई लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर आज होली है। आप दिल्ली की सड़कें जाकर देखेंगे, आप यूपी आगरा वगैरह मथुरा वगैरह पहुँचेंगे तो आपको दिखेगा कि रंगारंग कार्यक्रम वहाँ पर अभी भी चल रहे हैं। खैर थोड़ा पार्टिसिपेशन कम है, वो आपको वॉल्यूम में भी शुरुआत में भी दिख जाएगा और मूवमेंट में भी दिख रहा होगा।